हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। और आज हम करेंगे सितंबर करंट अफेयर्स का लास्ट पार्ट, यानी कि पार्ट 6 को कवर करेंगे आज हम। ठीक है, इसमें हम देखेंगे 26 सितंबर से 30 सितंबर तक के करंट अफेयर्स। ठीक है, हमेशा की तरह 5-5 दिन के करंट अफेयर्स मैं आपको कराती हूँ। ठीक है, मतलब 5-5 दिन के आप नोट्स बना लिया करो। पूरे मंथ में आपको 6 पार्ट्स मिलते हैं करंट अफेयर के, मंथली जो है। ठीक है, और एक सीरीज 20 या 30 क्वेश्चन की मैं बनाऊंगी, जो आपके पिछले मतलब कुछ महीनों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनकी। ठीक है, इस पर मैं काम कर रही हूँ, तो इसको भी जल्दी आपको दे दूंगी। दूसरी चीज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाती है, क्विज होता है वहां पर, उसमें भी आपको फायदा होगा। ठीक है, कुछ पीडीएफ जो है लेक्चर्स की, वो भी आपको वहीं मिल जाएंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और डिस्क्रिप्शन में जो है नीचे आपको फेसबुक ग्रुप का भी वो मिल जाएगा, मतलब लिंक मिल जाएगा, आप वहां से फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की वीडियो। और गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर की वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट की, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं वैभव, तो यानी कि वैभव शिखर सम्मेलन जो है इस साल महात्मा गांधी जी की जयंती पर जो है उद्घाटन इसका किया जाएगा। ठीक है, और मतलब ये वर्चुअली होगा, इसका उद्घाटन वर्चुअली किया जाएगा बेसिकली। ठीक है, आपको पता है कि महात्मा गांधी जी की जो जयंती होती है वो हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, अब 2 अक्टूबर है तो आपको स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पता ही होगा। 2014 में जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, और इसका एक फेज जो है 2019 तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसका सेकंड फेज जो है वो 2020-21 से आपका चलेगा 2024-25 तक। ठीक है, ये इसका फेज टू चल रहा है, और हमारा 2019 तक स्वच्छ भारत का मतलब मिशन था एंटी डेफिकेशन फ्री। ठीक है, मतलब सुलभ शौचालय वाला जो भी चीज है, सफाई अभियान था। तो 2019 तक इसका ये था कि आप हर राज्य में जो है टॉयलेट बनाएंगे, हर घर में टॉयलेट बनाएंगे, ओपन में कोई भी शौच के लिए नहीं जाएगा, ये बेसिकली इसका मोटिव था। ठीक है, और लास्ट ईयर हमने महात्मा गांधी जी की 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी 2019 में। ओके, तो इस बार कौन सी होगी, 151th। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, इंडिया एंड यूनिसेफ हैज लॉन्च्ड युवा ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो देखिए इंडिया और यूनिसेफ ने मिलकर जो है युवा ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है, बेसिकली टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। ठीक है, या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, तो इन यूनिसेफ है वो इसमें इंडिया का साथ दे रहा है। ठीक है, यूथ जो है आके उनको एम्पावर किया जा सके, उनको सशक्त बनाया जा सके, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट का काम किया जा सके, तो ये है ये युवा प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो एक ये चीज़ होगी। और ये वैभव समिट आपको बता दो, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बेसिकली रिलेटेड है, और इसमें इनोवेशन वगैरह, इनोवेशन एंड प्रैक्टिस एंड रिसर्च के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यूनिसेफ की बात हो रही है, तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, सेकंड चीज यूनिसेफ के बारे में याद रखिए कि जो मानुषी छिल्लर है, ठीक है, मानुषी छिल्लर, ये आपको पता है पूर्व मिस वर्ल्ड है, ठीक है, हरियाणा से हैं, और मानुषी छिल्लर जो है उनको यूनिसेफ ने गुडविल एम्बेसडर बनाया मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए। ठीक है, एक तो चीज याद रखिए। एक आयुष्मान खुराना, आपको पता है कि ये एक्टर है आयुष्मान खुराना, ठीक है, इनको बनाया है इन्होंने, चाइल्ड वॉयलेंस के अगेंस्ट जो है ये मुहिम चलाएंगे, मतलब कि हमें मतलब बच्चों को बचाना है वॉयलेंस के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये आयुष्मान खुराना को जो है यूनिसेफ ने गुडविल एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो दोनों आप याद रखिए कि मानुषी चिल्लर को किस लिए बनाया है और आयुष्मान खुराना को किस लिए बुलाया है। ठीक है, नेक्स्ट है अंग रीता शेरपा, तो ये कौन थे, इनका अभी भी निधन हो गया, और ये जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब की थी 10 times विदाउट बॉटल्ड ऑक्सीजन, मतलब बिना बॉटल्ड ऑक्सीजन के साथ इन्होंने 10 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। ठीक है, और ये नेपाल से थे, इनका भी रिसेंटली 72 years की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, इनको स्नो लेपर्ड भी बोलते हैं, मतलब निकनेम है इनका स्नो लेपर्ड, तो ये भी चीज़ आप याद रखिए। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है आप सभी पता है कि नेपाल में है, तो 10 बार इन्होंने चढ़ाई की थी विदाउट बॉटल ऑक्सीजन, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है, ए वेबिनार है वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड इसराइल अंडर द थीम इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप वेबिनार एंड एक्सपो। बेसिकली डिफेंस का जो सेक्टर है हमारा, हमारा रक्षा का जो क्षेत्र है, उस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए जो है भारत और इसराइल ने जो है आपस में समझौता किया है। ठीक है, और इसराइल से एक और चीज याद रखिए कि इसराइल और यूएई के बीच जो है बहुत ही
ऐतिहासिक शांति समझौता है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है, और इसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जो है शांति के नोबेल प्राइज, पीस प्राइज के लिए जो है इनको नॉमिनेट किया गया है। और आईजी नोबेल प्राइज जो है वो भी इनको मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, और इनको मतलब नरेंद्र मोदी को भी मिला है। ठीक है, मतलब ये आईजी नोबेल प्राइज जो मैंने आपको रिसेंटली बताया था ये नरेंद्र मोदी जी को मिला ही है, इसके साथ ही कई लोगों को मिला है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, मतलब काफी है, मेरे को सारे याद नहीं है, बहुत सारे पीएम और प्रेजिडेंट्स हैं कंट्रीज के, उन सबको मिला है। ठीक है, मतलब कम से कम 7 से 8 लोग हैं जिनको आईजी नोबेल प्राइज मिला है। मतलब ये असली वाला नोबेल प्राइज नहीं, असली वाला जो शांति का नोबेल प्राइज है वो बाद में अनाउंस होगा, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, मतलब उसमें नॉमिनेट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट है, ब्रिटेन एंड यूनाइटेड नेशंस विल को होस्ट अ ग्लोबल क्लाइमेट समिट ऑन दिसंबर 12। तो भाई ब्रिटेन और जो यूनाइटेड नेशंस है यानी कि यूएन की बात कर रहे हैं, वो आपस में मिलकर इसका जो है सह मेजबानी करेंगे, जो वैश्विक जलवायु सम्मेलन होगा ना, ग्लोबल क्लाइमेट समिट, ये दिसंबर 2 मतलब दिसंबर 12 को होना है, यानी कि 12 दिसंबर को ये समिट होना है। तो आपको याद रखना है कि इसी साल होगा, और ब्रिटेन जो है इसमें यूनाइटेड नेशंस के लिए साथ जो है को होस्टिंग करेंगे। अब देखना ये कि वर्चुअल हो पाता है, वैसे तो वर्चुअल ही है, लेकिन इफ केस अगर कुछ होता है, कोविड से रिलीफ मिलता है, तो हो सकता है कि इनकी मीटिंग्स वैसे भी हों। ठीक है, और आप सबको कमेंट में मुझे ये बताना है कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन के महानिदेशक है आपको वो बताना है कि कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन विल प्रोवाइड $2 trillion। ठीक है, $2 trillion का जो है लोन देगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये किसकी संस्था है, ये वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है, याद रखिए। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन टू डेवलप ग्रीन बिल्डिंग एंड टू एक्सपेंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो हमारे अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं उनको बढ़ाने के लिए, और बेसिकली ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए। देखिए, ग्रीन बिल्डिंग कुछ नहीं होता है, एक बिल्डिंग होती है जो आप एनवायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाते हैं। ठीक है, आप पेड़ पौधे ज्यादा नहीं काट रहे, आप आसपास के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो इस तरह की बिल्डिंग्स को हम ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है बहुत बड़ा लोन दे रहा है ये इंडिया को, ये आपको याद रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, और ये वर्ल्ड बैंक की संस्था है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट है, सीमांचला दाश, मतलब DASH है इनके नाम में। ठीक है, तो अब हिंदी में इसको डैश पढ़ेंगे या दास पढ़ेंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इंग्लिश में DASH है। ठीक है, तो याद रखिए, सीमांचला दाश हैज अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, यानी कि IMF की ये जो है एडवाइजर बनी है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, मतलब जो वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनकी एडवाइजर बनी है सीमांचला दास, और भारतीय है इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, Washington DC में। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और IMF जो है बहुत सारी जो है रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो कोई एक रिपोर्ट बताइए मुझे कमेंट में कि कौन सी IMF पब्लिश करता है। होता है ना जैसे मतलब इंडेक्सेस आते हैं, इस तरह से एक रिपोर्ट जो है IMF भी पब्लिश करता है, मतलब 2-3 करता है, लेकिन आपको बताना है कोई भी एक जो आपको पता हो। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन इसलिए देती हूँ कि कम से कम आप सर्च करेंगे, जाकर कुछ पढ़ेंगे। सेबी हैज सेट अप ए कमिटी ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हर्ष कुमार भानवाला। ठीक है, तो सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने एक कमेटी सेटअप की है ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर, और किसकी चेयरमैनशिप है, मतलब कौन चेयरमैन होंगे इस कमेटी के, हर्ष कुमार भानवाला। इनका नाम आपने पहले सुना होगा, ये कौन है, ये नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन है। ठीक है, नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन है हर्ष कुमार भानवाला। ठीक है, तो अभी इनके अंडर जो है सेबी ने अपनी एक कमेटी सेटअप की है। अब सेबी है तो सेबी का हेडक्वार्टर जो है वो है आपका मुंबई में, और इसके जो चीफ है यानी कि चेयरमैन कह सकते हैं वो है आपके अजय त्यागी। ठीक है, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी आप याद रखिए। और नाबार्ड के अभी प्रेजेंट में कौन चेयरमैन है ये आपको चलो बता देती हूँ, गोविंद राजालु चिंतलू। ठीक है, वो है, और इससे पहले थे हर्ष कुमार भानवाला। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल रेड पांडा डे। ये इंटरनेशनल रेड पांडा डे जो है हर साल 19 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बेसिकली रेड पांडा आपको पता है कि बहुत ही रेयर होते हैं, है ना, इनको बचाना है, इनका संरक्षण करना है, इसीलिए इस मुहिम के तहत ही 19 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने अप्रूव किया है अभी रिसेंटली फेलुडा टेस्ट। ठीक है, फेलुडा टेस्ट क्या है, ये है COVID-19 के लिए, मतलब और भी काफी टेस्टिंग चली रही है COVID-19 के लिए, लेकिन इसको भी अभी इन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फेलुडा टेस्ट किस बीमारी के लिए है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये COVID-19 के लिए है। ठीक है, और COVID-19 भारत जो है जिसने पहली जो वैक्सीन भारत ने मतलब अप्रूव की थी DCGI ने कि भाई इसका ट्रायल चलेगा, वो कौन सी थी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने देखी हो तो पता ही होगी आपको। तो मतलब कौन सी ऐसी वैक्सीन थी भारत की पहली वैक्सीन बताइए जो मतलब ह्यूमन ट्रायल्स के लिए उस स्टेज तक पहुंची है, ह्यूमन ट्रायल के स्टेज तक। ठीक है,
नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, ये मनाया जाता है हर साल 23rd सितंबर को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो लोग जो है बोल नहीं सकते हैं या फिर जो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, वो बेसिकली साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, उन लोगों को आगे बढ़ने की जो है प्रेरणा मिलती है इससे, ताकि वो भी कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। और इस बार की जो थीम थी वो थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन, मतलब ये सभी के लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए नहीं जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, आप सब भी यूज़ कीजिए ना, कम से कम साइन लैंग्वेज जो होती है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जब आप बोल ना पा रहे हो कुछ भी हो, तो आप एटलीस्ट साइन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, मतलब कम्युनिकेशन का एक तरीका है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ई पीक पहानी मोबाइल एप्लीकेशन टू रिड्यूस हार्डशिप ऑफ फार्मर्स, मतलब जो किसान है उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए ई पीक पहानी मोबाइल ऐप जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की है। और क्या है ये मोबाइल ऐप, इसे बेसिकली जो आपकी क्रॉप की स्टेजेस होती हैं कि किस स्टेज पर आपकी क्रॉप पहुँच चुकी है, जो उसके मतलब क्रॉप का एक पूरा सिस्टम होता है वो उनको समझ में आएगा, और भी काफ़ी चीज़ें इस मोबाइल ऐप के थ्रू किसानों को इससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। और महाराष्ट्र की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहली जो किसान रेल चली थी, ठीक है, अभी रिसेंटली चली थी, अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बता देती हूँ, ये चली थी महाराष्ट्र के दानापुर से, ठीक है, और बिहार के देवलाली तक। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो बिहार के देवलाली से, द द है दोनों में, ठीक है, दानापुर महाराष्ट्र से और देवलाली बिहार तक चली थी पहली किसान रेल देश की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आयुष्मान खुराना वॉज द ओनली एक्टर हुज नेम वॉज इन द लिस्ट ऑफ टाइम्स मैगजीन्स ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल फॉर द ईयर 2020। तो भाई टाइम्स मैगजीन ने अपनी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल जो 2020 कह रहे हैं उसमें अपनी जो पूरी एक लिस्ट निकाली थी 100 की, तो उसमें आयुष्मान खुराना जो है ओनली इंडियन एक्टर है, मतलब इनके अलावा और भी लोग हैं, लेकिन भारत से जो एक्टर हैं अभिनेता हैं वो केवल आयुष्मान खुराना है, ठीक है। और यूनिसेफ ने इनको अपना गुडविल एम्बेसडर भी बनाया है बच्चों के खिलाफ जो है वॉयलेंस को कम करने के लिए। नेक्स्ट है HOCL, HOCL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। तो इसको जो है BIS सर्टिफिकेशन मिलता है, बेसिकली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मिल गया है इसके सारे प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब जितने भी ये प्रोडक्ट लॉन्च करेगा उस पर आपको BIS सर्टिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। आपको पता है कि कंज्यूमर्स के लिए होता है BIS सर्टिफिकेट, बेसिकली हमें ये रहता है कि हाँ भाई चलो इन्होंने अप्रूव किया है इसके प्रोडक्ट्स को, ठीक है, तो हम और अच्छे से खरीदेंगे उस चीज़ को। नेक्स्ट है शिवांगी सिंह, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवांगी सिंह जो हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल एयरक्राफ्ट। आपको पता है अभी रिसेंटली हमें राफेल मिले थे बहुत सारे, ठीक है, फाइटर प्लेन्स हैं ये, तो इनको उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो कौन बन गई है, पहली भारतीय महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस साल जो है पहली एम्बुलेंस चलाने वाली लेडी कौन है पहली भारत की, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कि जिन्होंने पहली बार जो है मतलब पहली ऐसी लेडी है जिन्होंने एम्बुलेंस चलाई है, वो तमिलनाडु से है और उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या है। नेक्स्ट है टडेज पोगाकार, ठीक है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, स्लोवेनिया के हैं ये, तो इन्होंने जीती है टूर डे फ्रांस साइकिलिंग इवेंट, काफ़ी बड़ी मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिलिंग इवेंट है, तो ये जीती है टडेज पोगाकार ने, ठीक है, बस ये स्लोवेनिया से, बस इतना आप याद रखना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर आएगा कहाँ पर, गोरखपुर में, ठीक है, तो मतलब गोरखपुर में जो है उत्तर प्रदेश का पहला जो है वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर आएगा। वल्चर होते हैं ना गिद्ध संरक्षण और उनके प्रजनन केंद्र का जो केंद्र होगा वो गोरखपुर में आएगा, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है NRI यूनिफाइड पोर्टल भी लॉन्च किया था रिसेंटली, जो हमारे NRI होते हैं उनके लिए बेसिकली उनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा। और साथ ही एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, उत्तर प्रदेश में जो है मतलब कंट्री की जो सबसे बड़ी बिगेस्ट फिल्म सिटी होगी वो स्थापित होगी कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मतलब कंट्री की सबसे बड़ी फिल्म सिटी, ठीक है। नेक्स्ट है कोलंबियन जर्नलिस्ट जिनेथ बडोया लिमा, ठीक है, ये आपको याद रखना नाम, जिनेथ बडोया लिमा जो है कोलंबिया की जर्नलिस्ट है, इनको अभी अवार्ड मिला है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड, ठीक है, तो मतलब स्वर्णिम पेन पुरस्कार दिया गया है लिमा को, स्वतंत्रता पुरस्कार जो है 2020 का स्वर्णिम पेन पुरस्कार दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इनको एक और अवार्ड मिला था प्रेस फ्रीडम में ही मिला था कुछ इनको, हाँ गिलर्मो कानो प्रेस फ्रीडम जो अवार्ड होता है वो भी इन्हीं को मिला था, जिनेथ बडोया लिमा को, ठीक है, तो मतलब जर्नलिज्म में काफी अवार्ड जो है इनको मिल चुके हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड मैरिटाइम डे, तो वर्ल्ड मैरिटाइम डे जो है वो 24 सितंबर को मनाया गया, ठीक है, और इस बार की थीम क्या थी, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट,
ठीक है, मतलब एक स्थायी ग्रह के लिए स्थायी शिपिंग, यानी कि सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग भी हम बोल सकते हैं, सस्टेनेबल का हिंदी सतत भी होता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड मैरिटाइम डे, याद रखना 24 सितंबर को मनाया जाता है, और थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट। नेक्स्ट है नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, मतलब नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, बस इतना याद रख लीजिए, इस टाइप का कुछ रजिस्ट्रेशन किया जाएगा लोगों का, ठीक है। तो वो जम्मू कश्मीर में होगा, और इसके दो पुल भी याद रखिए, देविका और पुनेजा पुल, ठीक है, देविका और पुनेजा पुल, इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल अटल टनल, ये काफी न्यूज में है क्योंकि अभी बनकर तैयार हुई है अटल टनल, तो इसका नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। और आपको ये बता दूं कि ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे बनी हुई, मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई पे बनी हुई टनल है, ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, और 9 किलोमीटर लंबी है। और कहाँ है ये भी आपको याद रखना है कि जो पीर पंजाल रेंज है हिमालय की, पीर पंजाल की जो चोटियां हैं वहां पर है ये, और लेह मनाली हाईवे को जोड़ती हैं, ठीक है, बस ये आपको याद रखना, लेह मनाली हाईवे पर पड़ती है अटल टनल। नेक्स्ट है इंडिया हैज लॉन्च्ड अ साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव, तो कि इंडिया ने एक अनोखी पहल की है अगर हम बात करें तो, ठीक है, साइंस डिप्लोमेसी होगी टू स्ट्रेंथन क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च ऑफ वैक्सीन इन नेबरिंग नेशंस, मतलब अपने पड़ोसी देशों में जो है जितने भी वैक्सीन वगैरह बनती हैं उसके ट्रायल्स को और मजबूत करने के लिए, ठीक है। इस क्योंकि आपको पता है कोविड ऐसी बीमारी आ गई कि जिसकी वैक्सीन में कितना टाइम लग रहा है, टाइम तो खैर वैक्सीन डेवलपमेंट में लगता ही है, लेकिन ऐसी बीमारी आ गई कि सब लोग मजबूर हो गए, तो आगे फ्यूचर में कोऑपरेट करेंगे इंडिया जो है नेबरिंग नेशंस के साथ, तो साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव ये स्टार्ट किया है, एक तरह से डिप्लोमेसी है, कूटनीति कह सकते हैं हम इसको, है ना, विज्ञान कूटनीति है, ठीक है। तो ये इंडिया के द्वारा ये पहल की गई है। नेक्स्ट है खुशी चिंदेलिया, तो खुशी चिंदेलिया जो है वो अपॉइंट हुई है रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया बाय यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सिर्फ 19 ईयर्स की लड़की है, पता नहीं 17 मतलब याद नहीं है अभी पूरी तरह से 17 है कि 19 है, पर ये बहुत छोटी एज की हैं, ठीक है, और इनको शामिल कर लिया गया है रीजनल एम्बेसडर ऑफ इंडिया बाय यूनेप, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और यूनेप जो है इन्होंने मतलब ये एक बुक लॉन्च करते हैं हर साल, जो है एक बुक करते हैं, उसका नाम है रेड डेटा बुक होती है, उसमें बेसिकली जो स्पीशीज होती है कौन खतरे में है, कौन खतरे के निशान से ऊपर है, मतलब होता है ना वल्नरेबल स्पीशीज होती हैं, ठीक है, कौन सी एक्सटिंक्ट हो सकती है, कौन सी लुप्त होने लायक है, कौन सी लुप्त हो चुकी है, तो ये सारा डेटा जो है आपको इस रेड डेटा बुक में मिल जाता है जो कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च करता है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी 2 मिसाइल, इसका अभी हाल ही में परीक्षण किया गया था, तो इसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो कितनी है, 350 किलोमीटर, ठीक है। आपको ये बताना है कि पृथ्वी 2 मिसाइल जो है ये सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, या एयर टू सरफेस है, मतलब ये आपको बताना है पृथ्वी 2 मिसाइल, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। नेक्स्ट है सेवा सप्ताह वॉज लॉन्च्ड, इट्स लॉन्च्ड, सेवा सप्ताह वॉज लॉन्च टू मार्क द बर्थडे ऑफ पीएम मोदी, ठीक है। तो सेवा सप्ताह लॉन्च किया गया बीजेपी के द्वारा, ठीक है, मतलब इन्होंने सेवा सप्ताह मनाया इसको, पीएम मोदी का जो बर्थडे था, ठीक है, आई थिंक 17th of September को था, एग्जैक्टली नहीं पता है, शायद 17th September का था, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन वैसे बताती हूँ कि बीजेपी ने फिर सेवा सप्ताह जो है इसको मनाया, इसको उनका जो 70वां जन्मदिन था सेवा सप्ताह के रूप में, मतलब कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये उनका मोटिव था, ठीक है। नेक्स्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैदराबाद में है उसको एयरपोर्ट हेल्थ एक्रेडिटेशन कार्ड मिल गया है ACI के द्वारा, ठीक है, यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ठीक है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल हो जाएगा इसका मतलब, तो उन्होंने इनको एयरपोर्ट हेल्थ एक्रेडिटेशन का जो है मान्यता मिल गई है, यानी कि हवाई अड्डा स्वास्थ्य मान्यता प्रदान की गई है उनको, ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है। और एयरपोर्ट की बात हो रही है तो आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी, देखिए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है, लेकिन अगर IGI की बात आए, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर डोमेस्टिक एयरपोर्ट, तो वो आपका न्यू दिल्ली में है, और इन्होंने रिसेंटली एक एयर सुविधा नाम का पोर्टल लॉन्च किया, और साथ ही साथ प्राइवेट जो प्लेन्स होंगे, प्राइवेट प्लेन्स को उतारने के लिए एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है IGI में, मतलब ये देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा है कि जहाँ पे प्राइवेट प्लेन्स वगैरह उतरेंगे तो उनके लिए अलग से इन्होंने वो बनाया है, ठीक है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल पास हुआ है अभी रिसेंटली राज्यसभा से, लोकसभा से पहले पास हो चुका था तो अभी राज्यसभा से पास हुआ है, ठीक है, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल। इसमें बेसिकली होगा क्या कि इसमें दो यूनिवर्सिटीज हैं, चलिए मैं नाम बता देती हूँ आपको, गुजरात की हैं दो यूनिवर्सिटीज, एक तो है
फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज गांधीनगर की, एंड दूसरी है लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। तो इन दोनों को जो है अब यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी बिल, ठीक है। मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखो कि ये बिल पास हुआ है, अभी अभी ये पास हुआ है राज्यसभा से, और लोकसभा इसको पहले पास कर चुकी थी। नेक्स्ट है तमिलनाडु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कम आउट विद द पॉलिसीज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी। तो भाई तमिलनाडु देश का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो ऐसी पॉलिसीज लाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर, ठीक है, ब्लॉकचेन के ऊपर और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी आप सबको पता ही होगा, तो तमिलनाडु ये लेकर आएगा। और तमिलनाडु के बारे में एक और चीज़ बता दूँ कि इनका मछली उत्पादन में जो है, तमिलनाडु इस बार टॉप पर रहा है गुजरात को पीछे करके। मतलब लास्ट ईयर गुजरात था, लेकिन इस बार तमिलनाडु है। नेक्स्ट है HDFC बैंक हैज़ बीन रैंक्ड एज द इंडियाज टॉप ब्रांड फॉर द सेवंथ कंजिक्यूटिव ईयर। मतलब सातवीं बार जो है लगातार जो है वो इंडिया के टॉप ब्रांड में, मतलब इंडियाज टॉप ब्रांड शामिल हुआ है, मतलब टॉप ब्रांड बना है HDFC लगातार सातवीं बार, ठीक है। मतलब नंबर वन पर है ये, ठीक है। जो 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की रैंकिंग हुई है उसमें नंबर वन पर रहा है HDFC, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, 74th मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की बात हो रही है यहाँ पर, वर्ल्ड ब्रांड्स की बात नहीं हो रही है, ओके। तो इसमें HDFC टॉप पर रहा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। तो अल्जाइमर्स एक डिजीज होती है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि मेमोरी लॉस हो जाती है, फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता है, कभी भूल जाते हैं, कभी याद आता है, फिर मेमोरी लॉस पूरी तरह से भी हो सकती है। तो ये डिजीज जो है, इसका जो दिन है इसकी अवेयरनेस के लिए, वो हर साल मनाया जाता है 21 सितंबर को, तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन हैज अपॉइंटेड सुनील सेठी एज इट्स एडवाइजर, ठीक है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, जिसको हम KVIC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो सुनील सेठी को इन्होंने अपना एडवाइजर बनाया है। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो है उसके जो चेयरमैन है वो है विनय कुमार सक्सेना, ठीक है, ये इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट है फेसबुक हैज लॉन्च्ड अ न्यू फीचर बिजनेस सूट। तो इन्होंने ये एक न्यू फीचर लॉन्च किया है, किसको हेल्प करने के लिए, जो स्मॉल बिजनेस है ना उनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। आपको पता होगा फेसबुक पे जो है आजकल काफी जो है बिजनेसेस प्रमोट होते रहते हैं, आपको काफी ग्रुप्स मिलते रहते हैं, कभी कोई कपड़े बेच रहा होता है, कभी कोई किसी चीज की मार्केटिंग कर रहा होता है। तो ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए फेसबुक ने ये लॉन्च किया है। और फेसबुक ने एक और अपना प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है जिसको हम कहते हैं मोर टुगेदर, ठीक है। मतलब आप एक पोस्ट डालते हैं, आपको किसी हेल्प की जरूरत है, इस टाइप का कुछ ऐड आता है ना, मैंने भी देखा है वो ऐड। तो मतलब वो पोस्ट किसी और तक पहुंची तो क्या पता वो आपकी हेल्प कर सके। सपोज आपको ब्लड चाहिए, तो आपने अपने फेसबुक पर पोस्ट डाल दिया, ठीक है, आपके किसी फ्रेंड ने देखा, उसने अपनी पर डाल दिया, उसने शेयर कर दिया, तो इस तरह से आप जुड़ जाते हैं। तो मोर टुगेदर यही प्रोग्राम है फेसबुक का। एंड व्हाट्सएप का भी एक चल रहा है, इट्स बिटवीन यू, वो व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेकर है। नेक्स्ट है इंडिया हैज सेट अप अ टारगेट ऑफ एंडिंग ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम TB बोलते हैं, ठीक है, TB, तो दो उसको 2025 तक खत्म करने का टारगेट इंडिया ने रखा है, ठीक है। इंडिया के हेल्थ डिपार्टमेंट में रखा है ये टारगेट कि हम 2025 तक जो है TB को जड़ से खत्म कर देंगे भारत से, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखिए। और श्रीलंका और मालदीव्स दो कंट्री हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है, ये भारत की अच्छे मित्र कह सकते हैं इनको अभी फिलहाल। तो इन दोनों में से जो मिजल्स और रुबेला है, दोनों बीमारियां जो है, मतलब WHO ने कहा है कि इन कंट्रीज में भी खत्म हो चुकी है, श्रीलंका और मालदीव में, याद रखना मिजल्स की बात हो रही है, मिजल्स एंड रुबेला की। नेक्स्ट है नासा है सेटअप ए कम्युनिटी रिस्पॉन्स फोरम। तो जो नासा ने है दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्य पर पराली जलाने के प्रभाव को अध्ययन करने के लिए कम्युनिटी रिस्पॉन्स फोरम स्थापित किया है। तो मतलब देखिए, आपको पता है कि हर साल दिल्ली में जो है नवंबर दिसंबर कह सकते हैं शायद फसलों के कटने का टाइम होता है, और उसके बाद क्या होते हैं पराली जलाई जाती है, मतलब उस फसल का जो ढेर बच जाता है बाद में खेत में, तो उसको जला दिया जाता है। और ये हर साल होता है कि पॉल्यूशन रेट जो है बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। आप तो खैर मास्क लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ COVID-19, लेकिन हम पहले मास्क लगाते थे पॉल्यूशन की वजह से, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या हरियाणा में रह रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत होती है, हर बार मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं दिल्ली में और हरियाणा में या फिर पड़ोसी राज्यों में। दिल्ली वाले कहते हैं कि आपकी पराली से पोल्यूशन होता है, वो कहते हैं कि आपके शहर में गाड़ियां इतनी चलती है उससे पोल्यूशन है, तो जो भी एक्सपाइजेड रीजंस है। तो नासा ने एक कम्युनिटी फोरम इसको सेटअप किया है और ये देखेगा कि इसमें क्या किया जा सकता है, मतलब क्या इसका इम्पैक्ट होता है पराली जलाने का और किस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो नासा इस चीज़ को देखेगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैनल है अपने आप में, ठीक है। और दूसरी चीज़ नासा के बारे में बता दूँ कि नासा का जो मार्स मिशन है उसका नाम है इनजेन्युइटी, और ये भारत की एक बच्ची है विजया रूपाणी, उसने इसको नाम दिया है इनजेन्युइटी मार्स रोवर, ठीक है, परसीवरेंस रोवर है और मिशन का नाम है इनजेन्युइटी, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, नासा का मार्स मिशन है, ओके।
नेक्स्ट है फॉर्मर पीएम एचडी देवेगौड़ा। तो आपको पता है कि ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे देवेगौड़ा जी, तो इन्होंने अभी रिसेंटली मेंबर ऑफ राज्यसभा के रूप में शपथ ग्रहण की है। और ये कहाँ से बने हैं? कर्नाटक से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि फॉर्मर पीएम भी थे और फिर अभी ये राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं, तो पूछा जा सकता है प्रॉपर कि कौन से ऐसे फॉर्मर पीएम है जिन्होंने अभी रिसेंटली राज्यसभा के मेंबर की शपथ ली है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है येमी अलाडे, ठीक है, तो हैज बीन अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर फॉर द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो यूएनडीपी की जो है गुडविल एम्बेसडर बनी है येमी अलाडे, तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है इन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप इन तमिलनाडु बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए न्यूट्रिनो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन की तरह एक छोटा सा पार्टिकल होता है, ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड होता है कुछ, ठीक है, इतना ज़्यादा हमें डीप नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, लेकिन मतलब होता एक सब एटॉमिक पार्टिकल ही होता है जो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो इस पर जो है ऑब्जर्वेशन वगैरह के लिए ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है वो तमिलनाडु में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ लॉन्च नशा मुक्त भारत अभियान, तो अभी अभी एक बहुत बड़ा अभियान लॉन्च किया है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उसने, और जो भारत के 272 मोस्ट अफेक्टेड मतलब सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभावित जो जिले हैं वहाँ पर ये मिशन जो है चलाया जाएगा, मतलब जो यूथ्स हैं जितने भी लोग नशे में हैं 272 जिलों के, उनको जो है बेसिकली उनको सही रास्ते पर लेकर आ जाएगा, ये कह सकते हैं, ठीक है। और आप लोग बताइए मुझे कमेंट में कि मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है, ठीक है, हमारे यूनियन मिनिस्टर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हैज लॉन्च ए यूनिफाइड पोर्टल कॉल्ड यू राइज, तो यू राइज पोर्टल जो है भी रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, मतलब स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग और उनको गेटिंग एम्प्लॉयमेंट की किस तरह से आपको करियर ऑप्ट करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन सी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए और किस तरह से एम्प्लॉयमेंट करना होगा, ठीक है, तो इसके लिए जो है इन्होंने यू राइज पोर्टल जो है लॉन्च किया है। अब वही है पोर्टल पर पोर्टल लॉन्च करते रहते हैं बट एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है ना, ये चीज़ तो चल ही रही है, खैर एक अलग चल ही रहा है, खैर इनका मामला क्या कहें इस बारे में। नेक्स्ट है मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 2020, मतलब 2020 के आगे जो है जैव विविधता किस प्रकार की होगी, इस पर एक समिट हुआ है रिसेंटली जिसको होस्ट किया चाइना ने, ठीक है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये भी रिसेंटली चलाई है मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना याद रखिए। और एक और चीज़ बताती हूँ कि मध्य प्रदेश ने जो है अभी अन्न उत्सव मनाया था रिसेंटली, और मध्य प्रदेश ने काफ़ी स्कीम्स चलाई हैं, जीवन शक्ति, जीवन अमृत, संजीवनी व्हीकल, चरण पादुका स्कीम, रोको टोको अभियान, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश ने चलाई हैं, ठीक है, याद रखिए इसके बारे में। नेक्स्ट है नेशनल मेडिकल कमीशन हैज़ बिकम द एपेक्स रेगुलेटर फॉर मेडिकल एजुकेशन इंडिया, तो भाई नेशनल मेडिकल कमीशन जो है प्रॉपर सेटअप कर दिया गया है और ये अब इसकी टॉप बॉडी हो जाएगी मेडिकल एजुकेशन जो इंडिया में है उसको देखेगी नेशनल मेडिकल कमिश्नर, मतलब इससे पहले जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया टाइप था कुछ, ठीक है, उनको अब इन्होंने अबॉलिश कर दिया गवर्नमेंट ने क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया था, ठीक है, करप्शन के बहुत मामले सामने आए थे, तो अब ये फ्रेश बिल्कुल सेटअप किया इन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका, ये याद रखना। नेक्स्ट है पीएम मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स इन बिहार, तो भाई 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स जो है बिहार में अब स्टार्ट किए जाएंगे 14,000 करोड़ रुपए में, ओके, मतलब 14,000 करोड़ लगेंगे, ये याद रखिए, 9 राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी, ओके। और बिहार में काफी चीजें और स्टार्ट करी हैं वो बता देती हूँ, एक है घर तक फाइबर, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये भी बिहार में पीएम मोदी ने लॉन्च की है। उसके बाद एक 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, 7 वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और ये 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये रिसेंटली अभी बिहार में लॉन्च किए गए हैं। और आपको पता है बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और 243 सीट्स का जो है चुनाव किया जाएगा 3 फेजेज में, ठीक है, तो 3 डेट्स मिली हैं, 243 सीट्स हैं विधानसभा की यहाँ पर, ठीक है, और 3 फेजेस में चुनाव होगा, ये भी याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इंडिया हैज बीन रैंक्ड 89th, तो इंडिया जो है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, मतलब अगर किसी टाइप का भी रिस्क आ जाता है कहीं से भी, कोई भी रिस्क हो सकता है, ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, अगर आ जाता है तो भारत की क्या स्थिति है, तो भारत की स्थिति है कि 89th, मतलब अगर हम पूरी दुनिया के देशों में देखें तो भारत जो है 89th रैंक पर है, ठीक है, और वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में टॉप पर कौन है, जो सबसे ज्यादा सेफेस्ट कंट्री है, मतलब रिस्क हैंडल करने के लिए सबसे सेफ है, तो उस कंट्री का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे 2020 वाज ऑब्जर्वड ऑन 26th of September, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सितंबर में काफी इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, ठीक है। 21 सितंबर को आपको पता है वर्ल्ड पीस डे मनाया हमने, 17 सितंबर को आई थिंक, हाँ यस 17 ही है शायद, ओजोन डे, आई डोंट रिमेंबर द ओजोन डे,
नो इट्स 16 यस 16 इज ओजोन डे। तो 16 को ओजोन डे मनाया हमने, 16 सितंबर को, 21 को हमने वर्ल्ड पीस डे मनाया, तो काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट डे हैं। और ये हम 26 को मनाया हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, ठीक है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस अलग है और ये स्वास्थ्य दिवस अलग है। नेक्स्ट है, DRDO has conducted successful flight test of अभ्यास, ठीक है। तो अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है हीट, तो इसका जो है अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया है किसने, DRDO ने, ठीक है। और DRDO के चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी, ठीक है। और इसरो के कौन है, इसरो के चेयरमैन आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। DRDO के हैं जी सतीश रेड्डी, और इसरो के आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, कृषि भवन बिल्डिंग ऑफ ओडिशा हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ पीपल्स चॉइस विनर। तो जो कृषि भवन की बिल्डिंग है ओडिशा की, इसको पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है AZ अवार्ड्स 2020 में सोशल गुड कैटेगरी में, ठीक है। तो कैटेगरी थी सोशल गुड, और यहाँ पर मिला है इनको पीपल्स चॉइस अवार्ड कृषि भवन बिल्डिंग AZ अवार्ड्स 2020 में, ये याद रखिए। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2020 कब ऑब्जर्व किया गया, 25th of September। और इस बार की जो थीम थी वो थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ जो थी, इस बार की थीम थी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की, ये दवाइयों से रिलेटेड दवाइयाँ वगैरह बनती है ना जहाँ पर। नेक्स्ट है, केरला हैज़ वॉन द यूनाइटेड नेशन अवार्ड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। तो मतलब केरला को ये अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशन से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस स्टेट, ये पूछा जाता है डायरेक्ट कि किस स्टेट को जो है यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड मिला है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और बता दूँ कि COVID-19 का जो पहला केस आया था भारत में वो कहाँ से आया था, वो केरला से ही आया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और उड़ीसा से एक और चीज़ बता दूं कि उड़ीसा का चंद्रभागा बीच है, ठीक है, उसको जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, ठीक है। और इंडिया के 8 बीचेस जो हैं उनके नाम भारत ने रिकमेंड करे हैं अभी इस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए। अब देखते हैं, देखना यह है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, नेवी ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव कंडक्टेड 2-day मेगा एक्सरसाइज इन इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो नेवी है उन्होंने मेगा एक्सरसाइज की है, ये आपको याद रखना है, कहाँ पर, इंडियन ओशियन रीजन में, ठीक है। और आपको एक बात बताऊँ कि मालाबार एक्सरसाइज होती है वो किसके बीच होती है, इंडिया, USA और जापान के बीच में, ठीक है, इन तीनों के बीच में होती है मालाबार एक्सरसाइज। लेकिन इंडिया ने जो है इनविटेशन भेजा है ऑस्ट्रेलिया को कि वो भी इसमें शामिल हो, ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है, कुमुदिनी त्यागी एंड रीति सिंह हैव बीन सेलेक्टेड टू ज्वाइन एज ऑब्जर्वर्स इन द इंडियन नेवीज हेलीकॉप्टर स्ट्रीम। तो भाई भारतीय नेवी की जो हेलीकॉप्टर स्ट्रीम है उसमें ऑब्जर्वर बना दिया गया है कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह को। और शिवांगी सिंह का तो नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने पहली पायलट बनी है जो राफेल उड़ाएंगी, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट कोस्ट गार्ड शिप अकेडमी, कोस्ट गार्ड अकेडमी जो है वो सेटअप होगी कहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मंगलुरु में। मंगलुरु कहाँ पर है, कर्नाटका, बेंगलुरु से कन्फ्यूज मत करना, ठीक है, बेंगलुरु मंगलुरु ये सारे आपके कर्नाटका में है। तो मंगलुरु जो है वहाँ पर जो है भारत की पहली जो है कोस्ट गार्ड अकेडमी बनाई जाएगी, मतलब पहली जो है तट रक्षक अकादमी बनेगी, ठीक है, ये गूगल ट्रांसलेटर थोड़ा ऐसा ही हिंदी ट्रांसलेट करता है, ठीक है, माइंड मत करना। नेक्स्ट है, द 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड इन गोवा, ठीक है। तो भाई 51वां एडिशन होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, जो कि गोवा में होगा 2021 में, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है, तमिलनाडु हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट शील्ड। तो तमिलनाडु में रिसेंटली भी प्रोजेक्ट शील्ड स्टार्ट किया है, मतलब महिलाओं और बच्चों के खिलाफ क्राइम को कम करने के लिए, ठीक है, ये तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है। और ऑपरेशन शील्ड से जो है इसको कंफ्यूज मत करना, जो ऑपरेशन शील्ड है वो चलाया था दिल्ली गवर्नमेंट ने, ठीक है। और प्रोजेक्ट शील्ड पूछे तो आपको बताना है तमिलनाडु, और अगर ऑपरेशन शील्ड पूछे तो वो दिल्ली, क्योंकि दिल्ली ने चलाया था कोरोना को खत्म करने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन शील्ड मतलब कोरोना को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है, जॉन टर्नर पास्ट अवे, ही वॉज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो जॉन टर्नर का निधन हो गया, ये कौन थे, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इनका री इलेक्शन हुआ है, ये बेलारूस के प्रेजिडेंट बन गए हैं छठी बार, ठीक है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव छठी बार जो है, लगातार छठी बार जो है ये बेलारूस के राष्ट्रपति जो है वो बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलोंग विद नीति आयोग। तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन IT जो मिनिस्ट्री है वो किसके साथ डील कर रही है, नीति आयोग के साथ, ये मिलकर जो है रेज 2020 समिट मतलब होस्ट करेंगे। और रेज की फुल फॉर्म क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, मतलब सामाजिक
सशक्तिकरण के लिए जो है, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल कृत्रिम बुद्धिमता, ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में खैर याद रखिए, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, तो ये लॉन्च किया है अभी रिसेंटली, मतलब समिट को होस्ट करेगा, कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के साथ। और आपको पता ही होगा कि नीति आयोग जो है इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया था, ठीक है, पहले रोज योजना आयोग था, लेकिन जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई उन्होंने योजना आयोग को खत्म कर दिया और नीति आयोग को लागू कर दिया। अब देखिए नीति आयोग की ना फुल फॉर्म है, ठीक है, NITI, उसकी फुल फॉर्म क्या है आप में से कितनों को पता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। सो गाइज, ये थी आज की करंट अफेयर की वीडियो, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनका अगर आपको जवाब आता है तो ऑनेस्टली मुझे जवाब जरूर देना, ठीक है, अगर आपको मतलब 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं तो एक का भी आता है तो एक का दे सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं कि 5 आते हैं, हाँ अगर आपको 5 नहीं आते हैं तो आप उनको जरूर पढ़ें, उनको देखें जरूर कि वो क्या है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोज में मैंने हर चीज़ आपको काफ़ी डिस्क्राइब करी है, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको पुरानी चीज़ें भी आपको बार बार रिवाइज कराती रहूँ, इसीलिए बोलती हूँ हमेशा, है ना, तमिलनाडु की बात आ जाती है तो तमिलनाडु के बारे में बोलना स्टार्ट कर देती हूँ, मध्य प्रदेश आता तो मध्य प्रदेश के बारे में, बेसिकली रीजन यही है भाई, मेरी तो नॉलेज बढ़ी रही है, ठीक है, मैं तो चलो मेरे को तो बार बार चीजें रिवाइज हो रही है और आपको भी इससे फायदा जरूर होता है, ठीक है। एंड जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था ना कि मतलब मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो, आप लोग देखते नहीं है, नहीं, थोड़ा सा बूस्टअप हो गया ना, मतलब थोड़े से आप लोग जाग गए बस, और कुछ नहीं है, है ना, वीडियो तो आती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बनाने में खैर इतना वो नहीं है, मतलब बनाती रहूंगी जब तक मतलब हाथ पैर चल रहे हैं अच्छे से, जबान चल रही है तब तक वो चल मतलब बनाएंगे ही, है ना, बस आप मेहनत करते रहिए, मतलब मेहनत को नहीं रोकना है, ओके, बस देन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।